यूएस और मेक्सिको के टेक्सास बॉर्डर पर सरकार ने आज 400 सैनिक भेज दिए ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री को रोका जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कंटीले तार लगाए जा रहे हैं ताकि इमिग्रेंट्स यहां से एंट्री ना कर पाएं। इसके बावजूद भी कुछ एक इमिग्रेंट्स एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्मी वाले यहाँ कर खड़े हैं, वो उनको एंटर नहीं होने दे रहे हैं। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है और ये आज का लेटेस्ट वीडियो है जहाँ पर इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि हजारों की संख्या में पहले ही लोग एंटर कर चुके हैं, अब और एंट्री नहीं करने दी जा रही। ये वीडियो है दूसरी तरफ जहां पर इमिग्रेंट्स को जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए, सारे शेल्टर्स फुल हो चुके हैं, इतनी संख्या में अप्रवासी वहां पर एंटर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइटल 42 को अभी होल्ड पर रखा गया है, क्रिसमस के बाद ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स की एंट्री रोक दी गई है, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर बॉर्डर ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, इमिग्रेंट्स की एंट्री बिल्कुल रोक दी गई है।